इंदौर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी अन्य पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ई रिक्शा के रूट तय ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांग की। वहीं 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने कलेक्टर निवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। देखिए, हम लोग भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से हैं, हमारी इंदौर में यूनियन है और हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है भारतीय मजदूर संघ से। आज हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख श्री मुरारी जी राठौर जी भाई साहब भी हैं और डॉक्टर गिरीश शुक्ला जी भी हैं। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ये मांग है कि विगत 6 महीने पहले कलेक्टर महोदय ने ट्रैफिक DCP जी के साथ, RTO साहब के साथ और ई रिक्शा के साथ और सड़क सुरक्षा समिति के साथ एक मीटिंग आयोजित की थी। उस मीटिंग में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के भी लोग हम लोग थे। हमारे सामने ई रिक्शा के 27 रूट इन्होंने बनाए थे और एक एक रूट 17-17 किलोमीटर का बनाया, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं करा। तो आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने चेतावनी दी है माननीय कलेक्टर महोदय को कि यदि 15 दिन के अंदर आपने ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, अगर उनके रूट नहीं बनाए और उनकी जो ओवरलोडिंग चल रही है, 8-8 सवारी भर के ई रिक्शा वाले गाड़ी चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ कलेक्टर साहब के बंगले का, इनके घर का थाली और बर्तन के साथ में घेराव प्रदर्शन करेगा और इंदौर का ऐतिहासिक घेराव प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये पेट की मांग है। आज मजदूर आदमी कुछ नहीं मांगता शासन प्रशासन से, केवल अपने पेट की 2 वक्त की रोजी रोटी मांगता है। और इंदौर में ऑटो चालक 1956 से इंदौर में ऑटो चला रहे हैं। आज इंदौर में 35,000 ऑटो है, 2.5 से 3 लाख लोग हैं, इतने बड़ा परिवार है। आज उनको परिवार को रोजी रोटी कमाने का संकट आ गया है। इस ओर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने आज चेतावनी आवेदन दिया है। क्या कारण रहा कि आप इस तरीके से ई रिक्शा का विरोध कर रहे हैं, जबकि आने वाले समय में ई रिक्शा जैसी चीज़ें जो है प्रदूषण को भी प्रभावित करते हुए काम कर रही है? देखिए, हमारा विरोध ई रिक्शा को लेकर के नहीं है, हमारा ई रिक्शा के नियम पर विरोध है। आज ई रिक्शा पर ओवरलोडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं अफीम चरस गांजा, यहाँ तक कि अवैध हथियार तक ई रिक्शा पर सप्लाई हो रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई चेकिंग नहीं हो रही है। कार वालों की चेकिंग होती है, टू व्हीलर वालों की चेकिंग होती है, ऑटो रिक्शा वालों की चेकिंग होती है। भाई, ई रिक्शा भी तो सड़क पर चल रही है, उसके अगर ओवरलोडिंग चल रही है तो आप उसकी चेकिंग करिए। किसी दिन भी हमारे शहर में बहुत बड़ी घटना होगी। हम आज जगाने के लिए आए शासन को। राजवाड़े जैसा क्षेत्र जो है वहाँ पर ई रिक्शा हमेशा अवैध रूप से स्टैंड बना लेता है, अभी भी उन्होंने पुलिस चौकी के पास में स्टैंड बना रखा है, क्या बोलेंगे? देखिए, ई रिक्शा का वास्तव में जो नियम है, जो वाइलेज है, वो ये है कि ये ई रिक्शा बनी थी विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए, लेकिन आज उसका शोषण हो रहा है। नई नई उम्र के बच्चे ई रिक्शा चलाने लग गए, आज व्यवसाय का जरिया हो गया है। लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर दिया है, लगेज का काम चालू कर दिया है और चेकिंग उनकी होती नहीं है, 8-8 सवारी भर के निकल रहे हैं और दिनों दिन ई रिक्शा बढ़ती जा रही है। ये भी एक शहर के लिए सोचने वाला विषय। हम सड़कें कितनी भी चौड़ी कर दें, लेकिन जब आप गाड़ियों की एक लिमिट नहीं रखेंगे तो आप कहाँ ले जाएंगे इतने वाहनों को, और कहाँ सड़कों में आपको जाम क्यों नहीं मिलेगा? जाम आपका बढ़ता ही जा रहा है और आपके खुद के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन चश्मा लगा के काम कर रहा है, आप पे पट्टी बांध के काम कर रहा है। यानी ई रिक्शा को तो जीजा बना रखा है उन्होंने कि ये तो हमारे जीजा जी हैं, कि जीजा जी को तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, बाकी लोगों को हम डंडा रात चलाएंगे। तो ये काम भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने खुले तौर पे चेतावनी दी है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 दिन बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम परिवार सहित बच्चों सहित हजारों की संख्या में कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और बर्तन भी लेकर के जाएंगे, थाली चम्मच कटोरी लेकर के इनको बजाएंगे, ताकि इनकी कान में हमारी पीड़ितों की आवाज़ जाए और मजदूर भाइयों की आवाज़ सुन करके ये कम से कम एक्शन लें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ।